हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस ग्रेड। देखिए, एसएससी की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था और फाइनली अब एसएससी की तरफ से न्यू अपडेट आया है। इन्होंने अपनी वेबसाइट को लॉन्च किया है और उसका नोटिस मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए, ये नोटिस है, एसएससी ने ये नोटिस दिया है अपनी वेबसाइट पर और कहा है कि 17/2/2024 से इनकी नई वेबसाइट है वो लाइव हो चुकी है, और जब जो बाकी सभी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहले उस पर रजिस्ट्रेशन कर रखा था वो अब नया फिर से रजिस्ट्रेशन करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, OTR जिसे कहते हैं। और उनकी नई वेबसाइट का नाम है ये ssc.government.in। इस पर जाकर आप OTR भर सकते हैं अपना और नई फ्रेश तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे इसका होगा रजिस्ट्रेशन। देखिए, अब सबसे पहले जब आप उसमें उनकी नई वेबसाइट पे जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा आपको, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कैंडिडेट एडमिन का, इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन होगा, लेकिन अभी तो अपने पास है नहीं, तो हम यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके आगे एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिस पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया होगा। पहले होगी पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद पासवर्ड क्रिएशन, उसके बाद एडिशनल डिटेल्स, उसके बाद डिक्लेरेशन, फिर आप कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स में आपको देखो क्या क्या भरना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके आधार कार्ड के बारे में पूछेंगे, आपके पास है तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना होगा, फिर उसको आधार कार्ड नंबर को वेरीफाई करना होगा, फिर से डालना होगा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन कार्ड में आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ऐसी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे नीचे कार्ड का नंबर भी देना होगा। इसके बाद लिखा हुआ है कैंडिडेट नेम, इस पे आप क्लिक करेंगे और आपका जो 10वीं की मार्कशीट के बेस्ड पर जो आपका नेम है वो इस पे डाल देंगे। उसके बाद वेरीफाई कैंडिडेट नेम, फिर से आपका नाम डालेंगे। उसके बाद हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, आपने अगर चेंज किया है तो यस, नहीं तो नो, और जो चेंज किया है वो यहाँ पे नाम बताना है, वेरीफाई करना है। उसके बाद आता है जेंडर का ऑप्शन, जेंडर के ऑप्शन में मेल फीमेल जो भी होगा आप अपने हिसाब से भर दीजिएगा, वेरीफाई करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछा गया है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसी के हिसाब से भरनी है, वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ करना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा फादर्स नेम, जो आपकी मेट्रिकुलेशन मार्कशीट है उसी के हिसाब से आपको अपने फादर का नेम भरना है। उसके बाद वेरीफाई फादर नेम कर लिख करना है, इसमें फिर से फादर नेम भरना है। उसके बाद मदर का नेम भरना है, इसको भी वेरीफाई करना है, एक बार और भरना है। उसके बाद है मेट्रिकुलेशन या फिर 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, इसमें आपको अपना बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है, जैसे दिल्ली हो, राजस्थान हो, जो भी आपका है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर से सिलेक्ट करना है, वेरीफाई करना है। उसके बाद जो 10वीं में आपका रोल नंबर था उसे इसमें डालना है, और फिर उसके बाद फिर से रोल नंबर इसमें डालना है, फिर आपका पासिंग ऑफ ईयर ये डालना है इसमें कि आपने कब पास की थी। उसके बाद है वेरीफाई, फिर से आपको ये डालना है। हाईएस्ट लेवल क्वालिफिकेशन, आपने जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपकी वो इसमें डाल देनी है, MSc की हो, BSc की हो, जो भी हो, आप फिर इसमें वेरीफाई कर देंगे फिर से। यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर आएगा, उसके बाद कैंडिडेट की ईमेल आएगी, उसके बाद सेव और नेक्स्ट कर देंगे। उससे अगला पेज होगा आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मिल जाएगा ऐसे, और फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे यहाँ से। उसके बाद लॉगिन स्क्रीन आएगी आपके पास, हेलो कैंडिडेट ऐसे लिखा होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको इसमें फिल करना है, और जो आप पासवर्ड होगा उसको यहाँ पे डालना है जो आप बनाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे साइन इन, ये कैप्चा कोड करके साइन इन। उसके बाद वो जो आपका वहां से SSC की तरफ से पासवर्ड मिलेगा उसको रीसेट करने का ऑप्शन आता है यहाँ पे। देखिए,
सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद जो पुराना एसएससी ने पासवर्ड दिया है वो डालेंगे, जो अभी अभी रजिस्ट्रेशन किया था तो उनकी तरफ से जो पासवर्ड आता है वो डालेंगे, उसके बाद जो नया हम रखना चाहते हैं पासवर्ड वो डालेंगे इसमें। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड पर कंफर्म करेंगे, पासवर्ड फिर से डालेंगे, उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो इसमें सिक्योरिटी क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके उसका आंसर यहाँ देंगे, और सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका आंसर यहाँ देंगे, और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद लॉगिन विद न्यू सेट पासवर्ड। अब आपका पासवर्ड बन चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड डालेंगे अपना जो नया बनाया है, उसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स भरने का ऑप्शन आता है, जिसमें आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी जो भी आपकी अनरिजर्व है, EWS है, OBC है, SC है, ST है, जो भी है वो आप इसमें फिल करेंगे। उसके बाद वेरीफाई कैटेगरी में वही फिल करेंगे जो आपने अभी की है। उसके बाद नेशनैलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया इसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स, ये अपने काम ना का है नहीं। तो विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, इसमें आपकी कोई भी कट का हो निशान, मुंह मोल हो कोई, उसको यहाँ पे फिल करेंगे, और अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उसको येस या नो कर देंगे अपने हिसाब से। फिर टाइप चूज करेंगे कि किस टाइप की डिसेबिलिटी है। उसके बाद आगे डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होगा तो उसका नंबर भी होगा, वो डालेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन आता है, उसमें एड्रेस में आप डालेंगे और अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड, और उसके आगे अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इस पे यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो करके इसको फिल कर देंगे फिर से। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन का ऑप्शन आता है, इसमें वन टाइम डिक्लेरेशन का ये पेज आता है, इसको हम यहाँ से एग्री कर देंगे सिलेक्ट करके। और उसके बाद अगर आपने प्रीव्यू करना है, पहले प्रीव्यू कर लीजिए OTR को कि आपकी सभी डिटेल सही हैं या नहीं, उसके बाद हम डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब जितने भी जो भी कैंडिडेट हैं सभी को अब फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका पहले हुआ है, जिसका नहीं हुआ है, सब करेंगे। ये OTR रजिस्ट्रेशन 2024 का है, इसमें इसमें इन्होंने ये नोटिस भी दिखाया है कि हमने ये नई वेबसाइट लॉन्च की है, इसी वजह से ही तो CPU का और उसका फेज 12 का वो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, डिले हो रहा था, यही कारण था। और ये इनकी वेबसाइट, ये पुरानी भी वेबसाइट चलेगी पर उस पर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब आपके काम का, बाकी यही वेबसाइट अब चलेगी https://ssc.government.in, इसी पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर से। और मैं इस वीडियो में यही बताना था मैंने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।